हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइए, और आज का सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहां से प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं फिजिक्स में, और इसलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है बराबर मिलता रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, रंभा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, अमित निषाद जी गुड मॉर्निंग, शिवानी, सवाना, प्रतिभा, ठीक है, और एजी सिंह जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार सभी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और सभी को बेनिफिट मिल सके। आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वॉइस में? सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, वॉइस आपको क्लियर है, विजिबल क्लियर है, कोई दिक्कत? सभी लोग फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे और उसके बाद इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको एक बार और बता दूं कि आज का जो मैथ का टॉपिक है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो मैथ का टॉपिक है वह आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में तो आते हैं, बाकी इसके अलावा सीजीएल वन डे एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 12 बजे वाला जो क्लास है आप लोग कभी स्किप ना करिएगा, उस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप डाल लीजिए सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ठंडे प्लेस पे रहना पसंद करते हैं, तो आपको एक आपके पास एक अच्छा मौका है कि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म जरूर जो है फिल कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम में फोर्स, और फिर क्या कहते हैं न्यूटन के गति विषयक के नियम के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे जो है बातें की, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है किया था। सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। हाँ, फ्रिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सवाना जी, हाँ फ्रिक्शन हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और फ्रिक्शन के टाइप्स हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन के टाइप में किस पर जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। इसी फ्रिक्शन से संबंधित आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के टाइप हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इन पुलिंग और पुशिंग, ठीक है, तो पुलिंग का मतलब क्या होता है? पुल मतलब भाई क्या करता है, खींचना, पुल मतलब खींचना, तो खींचाव या धक्का में घर्षण बल, यानी धक्का दे करके आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फिर खींच करके, ठीक है ना। कभी कभी आप जब जाते हो, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो, सैलून वगैरह में जाते हो, तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है और उसमें लिखा होता है पुल, छोटे से लिखा होता है पुल और पुश, अक्सर लिखा होता है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पुल और पुश आप जानते हो कि पुल मतलब खींचना होता है, पुश मतलब धकेलना होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, जैसे ही आप पकड़ते हो दरवाजे का हैंडल, पकड़ते हो एक बार इधर करते हो एक बार इधर करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमको पुल कर मतलब कि धक्का देना है कि खींचना है, जबकि लिखा होता है अक्सर जो है सैलून वगैरह या मॉल वगैरह में लिखा होता है डोर के पास जो हैंडल होता है डोर का, दरवाजे का जो हैंडल होता है, पुल लिखा होता है या फिर पुश लिखा होता है। तो पुश लिखा रहेगा तो आप धक्का देकर खोलेंगे, पुल लिखा रहेगा तो आप खींच करके खोलेंगे, ऐसा जो है अक्सर जो है आप गलती कर देते हैं, लिखा रहता है लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करते हैं कि इधर खुलेगा कि उधर खुलेगा, यानी आप धक्का देकर खोल लेंगे कि आप पुश करके खोलेंगे, अक्सर ये जो है गलती होती रहती है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं कि खिंचाव में अधिक बल लगाना पड़ता है
या फिर घा जो है धक्का में अधिक बल लगता है, और ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है? तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके यह बताओ, आप सभी लोग कमेंट करके यह बताओ कि अगर जैसे बोरी है, कोई बोरी आप क्या करते हो, धक्का दे करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो कि खींच करके ले जाते हो? कमेंट करो सभी लोग। इस तरह से तो आपने बहुत से प्रैक्टिस किए ही होंगे, है ना, बहुत से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। कोई अगर बोरी है, 50 किलो की बोरी है, तो आप उसको खींच करके ले जाते हो कि धकेल करके ले जाते हो? सभी लोग कमेंट करके, तो खींच करके, बिल्कुल। यहाँ पे उन्मत जी बिल्कुल खींच करके, गौरव जी खींच करके, हाँ बिल्कुल सही, खींच करके ले जाते। ऐसा क्यों, खींच करके ही क्यों ले जाते हो, धकेल करके क्यों नहीं ले जा सकते? धकेल करके क्यों नहीं ले जा सकते? हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर सही है, खींच करके ही ले जाते हैं। तो हम कोई बोरी है तो खींच करके ले जाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, हम धकेल करके क्यों नहीं ले जाते हैं? तो ऐसा ये इसलिए होता है, जैसे जो बोरी होती है, ठीक है, मान लो ये बोरी है, बोरी का ये कट्टा है, और आप जो है इसको पकड़ करके यानी फोर्स लगा करके आप खींचना चाहते हो। जब आप फोर्स लगाओगे तो किसी एंगल पे लगाओगे, क्या करोगे, किसी एंगल पे लगाओगे, ठीक है, और जिस वस्तु को आप ले जा रहे हो उस पर एक भार काम करता है, mg भार। ये क्या होता है, भार हमेशा जो है गुरुत्व केंद्र यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। तो mg हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर। आपने एक फोर्स अप्लाई किया यानी बल लगाया, आप हमेशा जो बल लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, किसी एंगल पर लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि होरिजोनटली खींचेंगे, आप किसी एंगल पर पकड़ करके ऐसे खींचेंगे, और जब ऐसे खींचेंगे तो किसी कोण पर बना करके खींचेंगे, और जब किसी कोण पर बना करके आप खींचेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, यानी इस फोर्स के दो कंपोनेंट होगा, एक होरिजोनटल होगा और एक किधर होगा, वर्टिकल। जैसे आप खींचेंगे तो जैसे आप कोई चीज खींचते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, एक तनाव इधर काम करेगा फोर्स का और एक फोर्स का तनाव इधर काम करेगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये फोर्स ऊपर है, ये फोर्स नीचे है, ठीक है, तो जो परिणामी बल होगा, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो घर्षण बल का मान होगा, ठीक है, वह फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, या F2 में से mg हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, F2 में से mg क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक इधर डायरेक्शन में है, एक और इधर डायरेक्शन में है। तो जब mg माइनस होगा तो कुछ बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब बल की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगा। तो इस कारण, ठीक है, जैसे ही आप खींचते हो तो एक परिणामी बल ऊपर की ओर काम करता है और भार नीचे की ओर काम करता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो घट जाते हैं, और जब घट जाएंगे तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी को धक्का दे करके, इसी बोरी को अगर हम धक्का दे करके, धक्का देंगे तो ऐसे ही देंगे, ठीक है, ऐसे ही धक्का, कोई बोरी होगी तो हम धक्का देकर ऐसे ही करेंगे, धक्का देंगे, और जब धक्का दे करके कि किसी एंगल पर जब हम धक्का देंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ठीक इसके क्या होगा, नीचे की ओर होगा, एक कंपोनेंट नीचे होगा, और भार भी कहाँ होगा, नीचे ही होगा, और एक कंपोनेंट आपका ये जो है, ठीक, एक कंपोनेंट जो है आपका यहाँ पर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट नीचे की काम करेगा फोर्स। अब फोर्स आप कैसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, जब आप पुश करोगे तो एक फोर्स इधर कंपोनेंट बढ़ जाएगा, एक फोर्स इधर हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो F1 + mg हो जाएगी। F1 + mg का मतलब यह हो गया कि ये दोनों जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मान अधिक हो गया, और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपको बल तो ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि भार इसमें जुड़ जाता है, इसमें भार घटता है, इसमें भार जो है जुड़ जाता है, और ये कौन सी कंडीशन है, तो ये तो आपका पुलिंग वाला कंडीशन है, यानी आप जो खींचते समय जो आप फोर्स लगाते हो, खींचते समय जो फोर्स लगाते हो, और ये कौन है, तो ये है भैया पुशिंग कंडीशन में लगाते हो, यानी आप धक्का दे करके किसी चीज को एक जगह से दूसरे, तो धक्का देने पर हमको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और
पुलिंग करते समय हमको धक्का कम लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों जो डायरेक्शन होते हैं अपोजिट, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे, फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हमको कम बल लगाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आ पाते हैं। तो बात समझ में आ गई, तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे खिंचाव में, खींचने में कम बल लगता है, लेकिन धक्का देने में फोर्स हमको ज़्यादा, यानी पुलिंग की अपेक्षा खिंचाव में, पुशिंग में ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय हिंद। ठीक है, चले अब अगला टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने अभी देखा था टाइप्स ऑफ फोर्स देखा था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह से एक और होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो कई आधार पर जो है टाइप्स ऑफ फोर्स को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वर्क के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर भी, ठीक है, तो कार्य के आधार पर भी हम फोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। किस तरह के दो फोर्स हम बांट सकते हैं? तो भैया एक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, आपने बहुत पढ़ा होगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल। ठीक है, पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल कौन सा, संरक्षी बल का एग्जाम्पल है कौन सा, किसका एग्जाम्पल है, तो इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, इसको कहते हैं असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है संरक्षी बल और असंरक्षी बल का? ठीक है, जब हम लोग वर्क पढ़ेंगे तो वहां भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बस इतना आप अभी फिलहाल जानिए कि कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल में डिफरेंस क्या है। तो यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, यानी यह किसी बल के विरुद्ध एक ऐसा कार्य होता है, किसी बल के विरुद्ध आप ऐसा कोई कार्य करो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो वर्क किया जाता है किसी बल के विरुद्ध, उसी को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और यह पथ की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और यह क्या करता है, पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पथ पर निर्भर करता है, पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह का उदाहरण है? तो यह संरक्षी बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे आप बोलते हो, यानी स्थैतिक वैद्युत बल। ठीक है, तो स्थैतिक वैद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसके अलावा जैसे बॉयंट फोर्स मतलब
उत्प्लावन बल, उत्प्लावन उत्प्लावन बल यह किस तरह का उदाहरण है? यह है आपका संरक्षी बल, जैसे प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स जिसे आप बोलते हो, प्रत्यानयन बल भी इसी तरह का उदाहरण है। जैसे स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग बल यानी स्प्रिंग में जो खिंचाव होता है, जो बल उत्पन्न होता है, वह भी इसी पर डिपेंड करता है, मतलब संरक्षी बल का उदाहरण है। तो बात समझ में आ गई। तो संरक्षी बल के जो उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थैतिक वैद्युत बल है, उत्प्लावन बल है, प्रत्यानयन बल है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सभी बल जो है किस तरह के उदाहरण है? संरक्षी बल के उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ठीक। असंरक्षी बल का मतलब यह होता है यह पथ पर डिपेंड नहीं रहता है, या किसी बल के विरुद्ध इस तरह से कार्य करता है। ठीक है, किसी बल के विरुद्ध ऐसा कार्य होता है जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, बीच के जो दूरी होती है उसके पथ पर डिपेंड करता है कि उसका पथ जो है किस तरह का है। ठीक है, तो उसके पथ के नेचर पर यह डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स यानी जैसे घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है पथ के प्रकृति पर, अगर खुरदुरा ज्यादा है तो अधिक फोर्स लगेगा, चिकना है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, मतलब वह पथ के प्रकृति यानी नेचर पर भी डिपेंड करता है कि पथ का प्रकृति या नेचर किस तरह का है, उस तरह से यह अप्लाई होता है। अधिक जैसे घर्षण बल की बात करें, अधिक जो है खुरदुरा है तो अधिक जो है घर्षण बल लगेगा, चिकना अगर है तो कम घर्षण बल लगेगा। तो यह कैसा उदाहरण होगा? असंरक्षी बल का उदाहरण होगा। ठीक है, असंरक्षी बल का उदाहरण होगा, यानी जैसे फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, जैसे आपका जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्यान बल जिसे कहा जाता है, श्यान बल यानी विस्कस फोर्स, ठीक है, ये आपका घर्षण बल है। ठीक है, तो जैसे श्यान बल विस्कस फोर्स है, तो द्रव के दो परतों के बीच में अगर द्रव गाढ़ा है तो अधिक द्रव के दो परतों के बीच में अधिक फोर्स लगेगा, द्रव अगर पतला है तो द्रव के परतों के बीच में कम फोर्स लगेगा। यानी जो श्यान बल होता है, जो विस्कस फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वह कैसा उदाहरण होगा? असंरक्षी बल का उदाहरण होगा। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन कलर, अच्छा ग्रीन कलर, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से अब नहीं लिखूंगा, ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे देख लेंगे, तो ये घर्षण बल हो गया, ये श्यान बल हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब ग्रीन कलर जो है मैं ध्यान में रखूंगा, ग्रीन कलर का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये उदाहरण आप हमेशा याद रखेंगे, संरक्षी बल के और असंरक्षी बल के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह है आपका टार्क। टार्क, या इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टार्क, या बल का आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बहुत आपने पढ़ा होगा टार्क। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टार्क क्या है? ठीक, तो टार्क तो जो किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल आघूर्ण होता है, तो उस वस्तु के बल के आघूर्ण, यानी हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ दी अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट विद
तो प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द रोटेटिंग एक्सिस रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स यानी किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है और जो उसकी रोटेटिंग एक्सिस होती है, रोटेटिंग एक्सिस का मतलब जो है जो अक्ष से दूरी होती है, ठीक है, क्रिया अक्ष से जो दूरी होती है इसके बीच में फोर्स और जहां से ये घूमता है, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हमने एक जो है फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, इस तरह से एक फोर्स लगाया। जब ये फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जहाँ से ये घूमेगा, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस तरह से ये क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो ये ऐसे क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है, ये क्या है, रोटेटिंग एक्सिस है। इस पॉइंट को जहाँ से घूमता है कोई चीज़ उसको हम बोलते हैं रोटेटिंग एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष कहते हैं, रोटेटिंग एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष कहा जाता है, घूर्णन अक्ष कहा जाता है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है या जो डिस्टेंस है वह कितनी है, आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो इन्हीं दोनों के मल्टीपल को ही टार्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टार्क कहा जाता है। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, को ही बल आघूर्ण कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है, बल आघूर्ण कहा जाता है। और इसके लिए एक फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा कि टाउ, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टाउ से, ठीक है, इसे ये टाउ का सिंबल है, ठीक है, टाउ जिसे हम कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट यानी जो किसी वस्तु पर जो फोर्स लगाओगे और जहां से ये घूमेगा रोटेटिंग एक्सिस और लगाए गए फोर्स, ठीक है, जहां पे फोर्स लगाओगे उनके बीच की जो लंबवत डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर बल आघूर्ण, ठीक है, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। यह कैसी राशि है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा हमेशा जिधर बल होता है वही इसकी दिशा होती है, यानी जिधर फोर्स अप्लाई किया जाता है बल की दिशा ही, बल आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, उसकी दिशा होती है, ठीक है। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बात समझ में आ गई, क्लियर है, हाँ बिल्कुल, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स रोटेशन और कर्व, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब अगर इनके हम बात कर लें, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं, SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इनका SI यूनिट क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आर दूरी है, दूरी का क्या होगा, मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं न्यूटन मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर
सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, विमीय फार्मूला डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, तो यह हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, टी पर माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, यह हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब यहीं से जो है आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू हो जाता है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, हमने अभी देखा कि जो बल आघूर्ण होता है टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू क्या होता है आर होता है, क्या होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। तो हम यह कर सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल, यानी एफ अगर हम एफ और आर की बात करें तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वन बाई आर हो जाएगा। अगर हम टाउ को थोड़ा थोड़ी देर कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा, वन बाई आर होगा। अब एफ प्रोपोर्शनल वन बाई आर से मतलब क्या निकल के आता है, तो यहां से निकल के यह आता है कि अगर यदि लंबवत जो दूरी है, ये लंबवत दूरी कहां से, बल से, जहां पे आप फोर्स लगाओगे, यदि लंबवत दूरी दूरी कम हो, लंबवत दूरी कम हो तो बल अधिक लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है वन बाई आर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई आर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर लंबवत दूरी कम हो, मतलब r की वैल्यू कम हो, तो बल क्या होगा, अधिक लगाना पड़ेगा आपका, बल अधिक, ठीक है, लंबवत दूरी कम हो तो बल अधिक लगाना पड़ता है, बल अधिक लगाना पड़ता है, बल अधिक लगाना पड़ता है। जैसे इसीलिए जैसे जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, दरवाजे का जो हैंडल होता है, आप देखिए जो दरवाजा होता है, जैसे ये हमने एक दरवाजा बना लिया ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये दरवाजे के जो ये कब्जे होते हैं इस तरह से जो जुड़े होते हैं, अब जब दरवाजा का ये मान ले हैंडल है, तो जब आप दरवाजा खोलते हो तो ये जो कब्जे होते हैं जहां से दरवाजा घूमता है उससे काफी दूर लगाया जाता है, पास में नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि दूर जितना जितना दूर होगा कब्जे से, जहां से घूमेगा कोई चीज, जहां से रोटेट करती है यानी जो रोटेटिंग एक्सिस होता है, वहां से अगर दूरी अधिक है तो बल कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए कब्जे जो है कहाँ होते हैं, हमेशा दूर लगाए जाते हैं। दूर इसलिए लगाए जाता है ताकि आप दरवाजे को आसानी से खोल पाओ, है ना। अगर हम मान लो कब दरवाजे का जो हैंडल है यहाँ पर लगा दें, तब आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा दरवाजे को खोलने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो चाक, जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार का चाक आपने देखा है, कमेंट करिए फटाफट, कुम्हार का चाक आपने देखा है, तो जो कुम्हार का चाक होता है वो देखो लकड़ी से घुमाते समय कहाँ पे डंडी अपने घुमाते हैं, किनारे पर लगाते हैं, बीच में नहीं घुमाते हैं, किनारे पर लगाते हैं। किनारे पर लगाने से क्या होता है, वो तेजी के साथ रोटेट करता है यानी घूर्णन करता है। तो तेजी के साथ रोटेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूरी अधिक हो, दूरी क्या हो, अधिक हो। अगर आपको तेजी के साथ रोटेट करना है, तेजी के साथ फोर्स, मतलब फोर्स कम लगा करके तेजी के साथ अगर आपको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दूरी अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तो यदि लंबवत दूरी कम हो तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। अगर दूरी यदि दूरी अधिक हो तो कम बल लगाना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दूरी अगर कम है तो बल अधिक लगेगा, दूरी अगर अधिक है तो अधिक, दूरी अधिक है तो आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी आप अधिक बल लगाए जो है अधिक बल नहीं लगाएंगे,
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब इसी पर आधारित हम बात करेंगे कपल ऑफ फोर्स की, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स। कपल तो मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कपल का मतलब क्या हो गया, युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, है ना। तो कपल ऑफ फोर्स जिसे आप कहते हो बल युग्म, क्या कहते हो, बल युग्म। कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया, बल युग्म। तो बल युग्म का मतलब क्या हो गया कि दो अपोजिट फोर्स अगर काम कर रहे हो, ठीक है, टू अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट विद रोटेटिंग एक्सिस। तो रोटेटिंग एक्सिस के साथ अगर दो रोटेटिंग एक्सिस के साथ किसी वस्तु पर जो है जो जो उसका घूर्णन अक्ष है, अगर उस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ दो बराबर बल लगाया जाए, ठीक है, दो बराबर फोर्स अगर लगाया जाता है, दो बराबर बल अगर लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म कहा जाता है, ठीक है, बल युग्म कहा जाता है, इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। तो कपल ऑफ फोर्स का मतलब यह हो गया कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, तो हम मान लेते हैं ये कोई जो है ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, एक फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया F1, और एक फोर्स हमने इधर अपोजिट, तो एक नीचे की ओर और एक अपर साइड में हमने दो फोर्स लगाया F2, और दोनों फोर्स जो है समान रूप से अगर आप आरोपित किए जाते हैं F1 और F2, ठीक है, दोनों बल जो है समान रूप से अगर लगाए जाते हैं, तो यह जो वस्तु है वो क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो यह वस्तु जो है अपनी एक्सिस पर, यानी इसका जो एक एक्सिस पॉइंट होगा, और उस एक्सिस पर ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, उस एक्सिस पॉइंट पर घूमने लगेगा, उसी को हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स कहा जाता है। एक बार एक सर आए थे साइंस के लिए, बट उसके बाद क्लास नहीं चली, आपको पता है क्या क्लास क्यों, आपकी क्लास, देखो वो जो सर थे वो बायो के सर थे, बायो वाले जो सर हैं वो आपके जल्द आने वाले हैं, ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, आपको हर चीज़ सही मिलेगा, ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, ठीक है, हर चीज़ सोच समझ के दिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, तो कपल ऑफ फोर्स ये बात आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी पर कपल ऑफ फोर्स, जैसे कपल ऑफ फोर्स के बहुत से एग्जाम्पल, जैसे आपका जो व्हील होता है, टायर होता है, ठीक है, तो इस पर भी चारों तरफ से समान बल लगता है, यह व्हील भी आपका एक कपल ऑफ फोर्स की तरह ही काम करता है। जैसे आपके जो क्या कहते हैं, जो हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर के जो पंखे होते हैं, पंखे, तो हेलीकॉप्टर के जो दो ब्लेड होते हैं, ये भी दोनों ब्लेड जो है अपोजिट साइड में, एक इधर जाता है, एक इधर घूमता है, तो एक इधर घूमता है, अपोजिट साइड में दो है एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस तरह से तेजी के साथ जो है घूमने लगता है ना। चले अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यह कपल ऑफ फोर्स आप समझ गए हैं, आपने समझा टार्क क्या है, बल आघूर्ण क्या है, और इसी बल आघूर्ण पर एक बात आती है सिंपल मशीन की। आपने 3 इडियट मूवी तो देखा ही होगा, सिंपल मशीन, यानी जिसे हम कहते हैं साधारण मशीन, सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन। तो सिंपल मशीन क्या है, साधारण मशीन क्या है, जब पूछा जाता है ना, कोई टीचर पूछता है, तो आमिर खान जो है जो सिंपल मशीन का जो है एक डिफिनेशन जो है बड़े जो है इतना लॉन्ग देता है कि उसको समझ में ही नहीं आता, फिर कहता है सरल वे में बताओ, सरल वे में भी बताता है तो कहता है जो है बहुत नॉटी हो, है ना। तो सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन, तो साधारण मशीन भी जो है इसी पर काम करती है, यानी जो साधारण मशीन होती है वह बल आघूर्ण या बल युग्म पर, बल युग्म के सिद्धांत पर ही काम करती है, ठीक है ना। तो
साधारण मशीन बल युग्म या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिससे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जा सके, या काम करने में आसानी हो। सीधे से लैंग्वेज में कहा जाए तो कार्य करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। लेकिन यह कैसा कार्य होना चाहिए, यांत्रिक कार्य होना चाहिए, कैसा, मैकेनिकल वर्क होना चाहिए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होना चाहिए, किसी विद्युत से काम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैसा कार्य होना चाहिए, मैकेनिकल वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो जो यांत्रिक कार्य होता है मशीनों द्वारा, ठीक है, तो मशीनों द्वारा जो यांत्रिक कार्य किए जाते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो जिसको उस काम को क्या कर दे, सरल कर दे, आसान कर दे, तो उसी को हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे, साधारण मशीन कहेंगे, क्या कहेंगे, साधारण मशीन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका लीवर है, लीवर मतलब पेट वाला लीवर नहीं, लीवर का मतलब उत्तोलक, लीवर का मतलब उत्तोलक, ठीक है, लीवर है, ठीक है, दंड है, दंड का मतलब जो इंक्लाइन रॉड होता है, ठीक है, इंक्लाइन रॉड हो गया, डंडा हो गया, ठीक है, या इंक्लाइन रॉड आप लिख लो, मुड़ी हुई छड़, हो गया, ठीक है, और बैरिंग हो गया, या फिर जो घिरनी होती है ना, जिसे आप बोलते हो घिरनी, ठीक है, स्क्रू ग्रेज हो गया, स्क्रू जैक, मतलब आप समझते हैं स्क्रू जैक, जैसे टायर पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं, जैक लगा के, कहते हैं ना जग लगा के, आप अक्सर कहते हैं जग, जग नहीं होता, जैक होता है ना, तो जैक लगा करके आप क्या करते हो, गाड़ी को ऊपर करते हो ताकि टायर को निकाल सको, है ना, टायर को निकाल सको। तो लीवर यानी जो उत्तोलक होता है, मुड़ी हुई छड़ होता है, घिरनी होती है, स्क्रू जैक होता है, ये सभी चीजें कैसी होती हैं, साधारण मशीन है, जिससे काम को आसानी जो है बनाया जा सकता है। जैसे ट्रक में कई जो है भारी भारी चीजें रखी होती हैं, तो हम इंक्लाइन रॉड रखते हैं, है ना, इंक्लाइन रॉड, राड कहिए, चाहे आप पटरा कह लीजिए, है ना, जैसे कोई ट्रक होता है तो ट्रक पर इस तरह से हम पटरा रख देते हैं, और उसको कोई वस्तु होती है, भारी वस्तु होती है, तो उसको लुढ़का करके ले आते हैं। या जैसे बड़े वाहनों में यानी ट्रकों में कई जो है छोटी गाड़ियां रखी होती हैं, छोटी छोटी जो कारें होती हैं, तो उनको उतारने के लिए हम क्या करते हैं, एक पटरा टाइप का जो लोहे का होता है उसको रख देते हैं, तो यह भी एक आपका सरल मशीन है, जिससे जो है उसको आसानी से उतारा जा सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मशीन। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल मशीन। अब इसी सिंपल मशीन में यहाँ पर एक आपका ये देख पा रहे हैं, इसी का हमको पढ़ना है, क्योंकि यही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे लीवर की, किसकी, लीवर की यानी उत्तोलक की, लीवर यानी उत्तोलक। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सभी लोग क्या जवाब दोगे, आंसर करो, उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लीवर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, सभी लोग एक बार कमेंट कर दो फटाफट, उत्तोलक हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करो।
ठीक है निशा जी, राजेंद्र जी, निशा, सभी लोग कमेंट करें, उत्तोलक जो है हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक, सिंपल सिंपल मशीन नहीं भाई, उत्तोलक एक सिंपल मशीन तो है ही, सिंपल मशीन तो उदाहरण है उत्तोलक, लेकिन हम पूछ रहे हैं किस सिद्धांत पर। हाँ बिल्कुल सा संध्या जी, सा संध्या जी बिल्कुल सही, टार्क पर यानी कपल ऑफ फोर्स पर, यानी यह जो है उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह बल युग्म या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। ठीक है, तो यह बल युग्म या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितनी भी सिंपल मशीनें हैं वो सभी सिंपल मशीनें बल आघूर्ण या बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स या फिर टार्क पर आधारित होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं उत्तोलक। तो उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है, उत्तोलक इज अ सिंपल मशीन। ठीक है, उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को उठाने या ले जाने। ठीक है, तो कोई वस्तु है उसको उठाना हुआ या एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ले जाना हुआ, तो उठाने या ले जाने में आसानी होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को उठाने या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती है? सहायता होती है। और यह जो लीवर होता है, इस लीवर के तीन पार्ट होते हैं। इस लीवर के कितने पार्ट होते हैं? तीन भाग होते हैं। उत्तोलक के तीन भाग होते हैं। कौन कौन तीन भाग होते हैं? तो एक तो आपका एफर्ट, क्या होता है? एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है आयास। आयास का मतलब होता है जहां पर आप बल लगाते हो, किसी वस्तु को उठाने के लिए जहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयास कहते हैं। एफर्ट, एफर्ट मतलब आयास लगाते हो, फोर्स लगाते हो। एक होता है फलक्रम, क्या होता है? फलक्रम, फलक्रम का मतलब होता है आलंब। फलक्रम का मतलब क्या हो गया? आलंब हो गया। एक होता है आपका लोड, एक होता है आपका लोड, लोड का मतलब होता है भार, जिस वस्तु को आप ले जा रहे हो या उठा रहे हो उसको हम बोलते हैं लोड। तो लीवर यानी उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, एफर्ट होता है, फलक्रम होता है, लोड होता है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। अब इन तीन चीजों में जैसे अगर हम बात करें, जैसे चिमटा है, चिमटा से जैसे हम चिमटा अगर बनाएं, तो ये कुछ इस तरह से चिमटा होता है हमारा। ठीक है, तो चिमटे से आप क्या पकड़ते हो? रोटी को पकड़ते हो, ये रोटी हो गया। ठीक है, तो ये चिमटा हो गया, चिमटे से आप क्या पकड़ोगे? रोटी का टुकड़ा पकड़ोगे। तो रोटी को पकड़ने के लिए चिमटों को आप क्या करोगे? यहाँ पर प्रेस करोगे, यहाँ पे दबाओगे, चिमटे को आगे ही तो दबाओगे। तो जहां पर प्रेस करते हो, दबाते हो, दबाने का मतलब फोर्स लगाना, वह क्या होगा? आपका आयास होगा। यह क्या होगा? आयास होगा। अब घूमेगा कहाँ? तो यहीं से तो ये घूमता है, ये जो होता है, ये जो पोर्शन है जहां से वह घूमता है, तो आगे पीछे कर सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यह होगा आपका आलंब। यह कौन सा पोर्शन होगा? तो यह होगा आपका आलंब होगा। रोटी हमारा भार है, यह क्या होगा? आपका लोड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी लीवर में जो है तीन पार्ट होते हैं, आयास होता है जहां पे आप फोर्स लगाकर किसी वस्तु को उठाते हो या ले जाते हो, और
फलक्रम क्या होता है, एक आलंब होता है जहां से वह घूम सकता है, और लोड क्या होता है, वह होता है आपका भार। जैसे आप कभी कभी जो है मॉल में जाते हो और सामान जो है आप परचेजिंग करते हो, तो सामान परचेजिंग करने के लिए जो है आप एक जो है ट्रॉली बैग आप लेते हो, क्या लेते हो, ट्रॉली बैग कुछ इस तरह से होता है जिसमें आप सामान वगैरह भरे होते हो, और यहाँ पर पकड़ने के लिए जो है दो डंडे लगे होते हैं, और नीचे जो है कुछ व्हील लगे होते हैं यानी चक्के लगे होते हैं छोटे छोटे, है ना, चक्के लगे होते हैं छोटे छोटे। तो जब आप पकड़ करके ये जो चक्के हैं जहाँ से ये घूम रहा है, जहाँ से ये घूम रहा है, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ घूमता है, रोटेट करता है, घूमता है, उसको बोलते हैं फलक्रम। तो ये क्या हो जाएगा आपका फलक्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, जहाँ पे आप हैंडल होगा, जहाँ पे उस ट्रॉली को पकड़ोगे, ट्रॉली को पकड़ करके ही तो आप धक्के दे करके ले जाओगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। जहाँ पे फोर्स लगाओगे वहाँ पर आयास हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी वस्तुएं रखी होंगी वो क्या होगा आपका, लोड हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये तीन चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एफर्ट, फलक्रम एंड लोड, ये बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर एक यहाँ पर फार्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, यानी यांत्रिक लाभ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यांत्रिक लाभ, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो यह रेशियो होता है, ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या है, एक रेशियो है, ठीक है। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ किसका, उत्तोलक का, किसका हम यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज देख रहे हैं, उत्तोलक, तब किसी उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, आयास भुजा बटे भार भुजा, आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि इसी पर जो है आपका आयास जो भुजा की लंबाई होगी, जो भार भुजा की लंबाई होगी, इसी पर यह आपका काम करता है। और यह जो भी भुजा होगी, भुजा की जो भी लंबाई आप नापेंगे, भुजा की लंबाई, लंबाई आलंब से ही मापा जाता है। कहाँ से, आलंब, जहां आलंब होगा वहीं से उस भुजा की लंबाई। जैसे भार भुजा कहाँ से नापा जाएगा, आलंब और भार, जहां भार रखा होगा वहां से उसकी लंबाई होगी। तो आलंब, भुजा की लंबाई आलंब से ही मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हमने यहाँ पर एक हम लेते हैं, जैसे हमने मान लो एक नट क्रैकर ले लिया, ये कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको डिजाइन कर दे रहा हूँ। सरौता आपने देखा है सभी लोगों ने, या आम काटने वाली जो मशीनें होती हैं, तो आम काटने वाली मशीनें जो होती हैं कुछ इसी तरह से। अब यहां पर हमने एक रख दिया सुपारी, ये हो गया सुपारी जिसको आपको काटना है, कुछ इस तरह से नटक्रैकर होता है ना। तो देखो, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं आयास, आयास को हम एफर्ट कहते हैं, इसलिए हम इंडिकेट करेंगे ई से, ठीक है। फिर होता है एक आलंब, आलंब को हम फलक्रम बोलते हैं, इसलिए एफ से इंडिकेट करेंगे। और होगा भार, और भार को हम लोड कहते हैं, इसलिए हम इंडिकेट करेंगे एल से, ठीक है। तो जहां ई होगा इसका मतलब वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप,
और जहां पे आलंब होगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे वहां से चीजें क्या हो रही, उस जो मशीन है जो उत्तोलक है वह उत्तोलक वहां से घूम रहा होगा। अब भार क्या होगा तो आप समझ ही रहे हैं, भार मतलब वजन, जो भी चीज को आप काट रहे हो ले जा रहे हो वह चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका ये जो नट क्रैक, जो आपका ये सुपारी है, सुपारी, यह सुपारी ही आपका क्या है, भार है। ये सुपारी आपका क्या है, भार है। ये क्या है, भार होगा यानी लोड होगा, एल होगा। यहां से चीजें क्या होंगी भाई, यहीं से तो घूमेगा। अब यहीं से अगर ये घूमेगा तो ये आपका फलक्रम होगा, क्या होगा, एफ होगा। अब फोर्स कहाँ से लगाओगे, यहीं से तो आप अपना हाथ पकड़ करके फोर्स अप्लाई करोगे, तो आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे तो ये होगा आपका एफर्ट यानी आयास होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि आयास भुजा कहाँ है, तो आयास भुजा आप कहाँ से कहाँ तक इसको नापोगे, तो देखो कोई भी चीज कहाँ से नापा जाएगा, फलक्रम से। तो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है यह दूरी होगी आयास भुजा। यह दूरी कैसी होगी, आयास भुजा होगी। ठीक है, कोई भी दूरी फलक्रम से नापी जाएगी तो फलक्रम से आयास की जो बीच की दूरी होगी वह आयास भुजा होगी। और बटे में भार भुजा है, तो भार कहाँ रखा गया, भार मतलब सुपारी, तो यहाँ पे रखा गया। तो यहाँ से फलक्रम के बीच की जो दूरी होगी यह दूरी कही जाएगी, कौन सी दूरी, भार भुजा कही जाएगी। क्या कहेंगे, भार भुजा कहा जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? बायोलॉजी का क्लास चलेगा, परेशान क्यों होने लगते हैं, पहले जितनी क्लासेस चल रहे हैं उनको आप पूरा करते रहिए, आपकी क्लासेस बहुत जल्द सभी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके आयाम। तो ये बात समझ में आ गई, अब अगर यह बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब इसी पर लीवर, जो टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं वह होते हैं तीन प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। टाइप्स ऑफ लीवर यानी उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के प्रकार में अगर हम बात करें तो उत्तोलक कुल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। किसके आधार पर, आलंब आयास और भार के आधार पर उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, कुल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप लीवर, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट टाइप लीवर, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर यानी प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। हम कैसे पता करेंगे प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, तो हमने बताया कि यह किसके आधार पर है, आलंब आयास और, ठीक है, यानी एफर्ट, फलक्रम और लोड। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, तो इसके लिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि इनके जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं, इनके इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एल आएगा, इसी तरह से तो आएगा। अगर ई एफ एल को हम एक इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर हम रखें तो ई पहले होगा, फिर एफ होगा, फिर एल होगा, यानी बीच में कौन हो, बीच में फलक्रम, फलक्रम मतलब आलंब। तो किसी उत्तोलक में अगर आलंब आयास और भार के कहाँ हो, बीच में हो, बात समझ में आ रही है, तो फलक्रम इज द मिडवे बिटवीन एफर्ट एंड लोड। ठीक है, यानी आलंब, आलंब आयास और भार के बीच में होता है, भार के बीच होता है, बीच होता है। तो आलंब कहाँ होता है, आयास और भार के बीच में, तो आयास और भार के बीच में आलंब अगर हो तो आप समझ जाइए वह फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है, यानी वह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैसा है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। जैसे अगर हम बात करें प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, तो जैसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आप देखिए कहाँ पे आलंब जो है आपका बीच में आएगा, तो जैसे हैंड पंप है, जिसे आप चापाकल बोलते हो, तो हैंड पंप आपने देखा ही है, हैंड पंप देखा है ना भाई, तो हैंड पंप यानी आप जो किनारे होता है फोर्स लगाते हो,
पानी आता है, पानी जो आएगा वो लोड होगा, पानी नीचे से आएगा तो वो लोड होगा, घूमेगा कहाँ, बीच से ही तो घूमता है। तो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है, फलक्रम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हैंडपंप के अलावा अगर हम देखें तो जैसे साइकिल का ब्रेक है, साइकिल का जो ब्रेक होता है तो आप जो है किनारे आप दबाते हो, बीच से वो घूमता है साइकिल का, वो जो ब्रेक होता है बीच से घूमता है, और पहिए, पहिया क्या है आपका, लोड है। पहिया क्या है आपका, लोड है। तो जैसे ब्रेक होते हैं, ठीक है, जैसे जो ब्रेक्स हो गए साइकिल के, जो ब्रेक्स होते हैं वह भी इसी पर आपका काम करते हैं। ठीक है, और आप लोग एग्जाम्पल बताओ, हैंडपंप, ब्रेक्स और कुछ एग्जाम्पल आप सभी लोग सोचो, बीच में फलक्रम कहाँ कहाँ, बीच में फलक्रम होता है। सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, और कौन सा एग्जाम्पल होगा हैंडपंप और साइकिल के ब्रेक के अलावा जहां पर चीजें फलक्रम यानी आलंब यानी चीजें जो है बीच से हो। जैसे शीशा झूला आपने देखा होगा शहरों में, जो पार्क होते हैं पार्क में अक्सर जो है शीशा झूला लगा होता है। तो शीशा जो झूला होता है वह भी किस तरह का लीवर होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। हाँ, पानी की मशीन, पानी की मशीन नहीं, पानी की मशीन न कहिए, बल्कि आप यह कह सकते हैं यानी कुएं से जब आप पानी खींचते हैं, कुएं से, कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी का खींचना भी किस तरह का, प्रथम प्रकार, बिल्कुल। हाँ, जैसे कैंची, बिल्कुल कैंची भी आपका इसी में आएगा, कैंची भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैंची क्या होता है, बीच में ही आपका, बीच से ही घूमता है, किनारे आप कोई चीज काटते ओटते हो तो वो लोड हो जाएगा, किनारे आप, इस किनारे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगे। चले अब हम आ जाते हैं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक यानी सेकेंड टाइप ऑफ लीवर, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर यानी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में अगर हम बात करें तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लोड कहाँ आ जाएगा, बीच में, मतलब ठीक है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा ई एफ एल यानी बीच में फलक्रम होगा। यहां पर क्या होगा, ई और फलक्रम के बीच में क्या होगा, लोड होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर बीच में क्या आ गया, तो बीच में आ गया लोड, भार, आयास और आलंब के बीच होता है, आलंब के बीच होता है, बीच होता है। ठीक है, आलंब के बीच होता है। अच्छा, जैसे इसमें आप एक और लिख सकते हो, तराजू जैसे होता ही नहीं, तराजू, तराजू भी आप इसे फर्स्ट टाइप में लिख सकते हो, बीच से ही घूमता रहता है ना। चले इसका एग्जाम्पल बताएं, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर यानी क्या हो, यहां पर भार कहाँ होगा, बीच में, जैसे ट्रॉली बैग हो गया, ट्रॉली बैग हो गया, जो ट्रॉली बैग होता है, जब आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जो है जाते हैं, जिसमें व्हील लगा होता है, बीच में आपका सामान भरा होता है, कपड़े वगैरह आप रखे होते हैं, तो वो ट्रॉली बैग भी कुछ इसी तरह का होगा, जिसमें भार आपका कहाँ होगा, बीच में होगा, और आयास और आलम। ठीक है, सुबह सुबह जो लोग कूड़ा लेकर के आते हैं, एक कूड़ा का, कूड़ा ढोने वाली जो मशीन होती है, कूड़ा ढोने वाली मशीन, ढोने वाली मशीन, तो कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है या मशीन होती है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आप कह सकते हैं, तो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी इसी तरह का आपका उदाहरण हो जाएगा। हाँ, झूले की अगर हम बात करें, जैसे आप झूला अगर कह रहे हैं, तो झूला भार कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, किनारे आपका झूला। ठीक है, तो झूले की अगर हम बात कर रहे हैं तो घूमे, फलक्रम ऊपर हो जाएगा, जहां से वो घूमेगा, रस्सी, रस्सी कहाँ होगा, ऊपर से घूमेगा। ठीक है, भार कहाँ होगा, आप बैठे होंगे बीच में बैठे होंगे, ठीक है, भार आपका बीच में होगा, और आयास कहाँ लगेगा,
क्योंकि आपका भार जो आयास लगेगा वह नीचे से लगेगा। बिल्कुल, झूला इसी तरह का आपका उदाहरण हो जाएगा, झूला भी इसी तरह का आपका उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, जैसे नट क्रैकर है, तो नट क्रैकर या जो नींबू मशीन होती है, नींबू नींबू निचोड़ने वाली, जिसे स्क्वीजर बोलते हैं, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, लेमन स्क्वीजर, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, वह भी कैसा हो जाएगा? ठीक, तो यह भार कहाँ होगा? बीच में होगा। जैसे नट क्रैकर हो गया, ठीक है, सुपारी काटने वाली जो मशीन होती है, सुपारी काटने वाली मशीन, जिसे नट क्रैकर बोलते हैं, सुपारी काटने वाली मशीन, ठीक है। अच्छा, आप नेल कटर आप जानते होंगे, नेल कटर, तो नेल कटर आपका किस तरह का उदाहरण, कमेंट करो। नेल कटर जो है कि किस तरह का, तो नेल जो है, नेल आपका भार हो गया, जो आप नेल काटते हो वो आपका भार हो जाएगा, ठीक है। प्रेस आप किनारे करते हो, प्रेस आप किनारे करते हो, तो ये यहाँ पे एग्जांपल नहीं होगा। यहाँ पे आलंब जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आलंब बीच में आ जाएगा। तो नेट जो आपका, हमने कहा यहाँ पर फलक्रम जो बीच में आ रहा है, अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल बताया? हमने आपको बताया नेल कटर, जो नेल कटर होगा यह इसमें आ जाएगा, नेल कटर, ठीक है ना। नेल कटर, नेल कटर आपका फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। चले अब आ जाते हैं थर्ड टाइप वाले में, थर्ड टाइप वाले में, थर्ड टाइप ऑफ लेवर। तो थर्ड टाइप ऑफ लीवर, तो अब एक ही बचा, अब इसमें कौन बीच में आ जाएगा? अब इस बार आ जाएगा एफर्ट, यानी आयास, आयास भार और आलंब के बीच, भार और आलंब के बीच हो, तो उसे हम कहेंगे थर्ड टाइप ऑफ लीवर, यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब इस तृतीय प्रकार के उत्तोलक में अगर हम बात करें, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में? तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में अगर हम बात करें, तो जैसे आपका हाथ है ना, जैसे आप जिम वगैरह जाते हो तो डंबल उठाते हो, डंबल, तो डंबल जब आप उठाओगे तो वो भार होगा आपका, भार कहाँ होगा? किनारे होगा, ठीक है। और घूमेगा कहाँ? यहाँ आपके एल्बो से घूमेगा। कहाँ से घूमेगा? इस एल्बो से आपका हाथ घूमेगा, इस एल्बो से घूमेगा। खिंचाव यानी जो आयास लगता है, जो पूरा फोर्स लगता है, वो यहाँ पे तन जाता है, यहीं पे तो तनता, तो आपका ये पोर्शन जो है क्या हो जाता है, बीच वाला पोर्शन एकदम टाइट हो जाता है। आप चेक करोगे तो एकदम जो है टाइट हो जाता है, जो लोग जिम जाते हैं वो अक्सर जो है यह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे हाथ है, यह भी आपका किस तरह का है? थर्ड टाइप ऑफ लीवर का काम करेगा। जैसे प्लो है, प्लो मतलब हल, ठीक है, पहले जो हल से जोतते थे लोग खेत, तो हल भी किस तरह का है? आपका थर्ड टाइप ऑफ लीवर हो गया। जैसे टोंग्स हो गया, टोंग्स मतलब चिमटा, तो जैसे चिमटा है, चिमटा किस तरह का लीवर है? थर्ड टाइप ऑफ लीवर है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो हाथ है, हल है, चिमटा है, ठीक है, यह सभी कैसे प्रकार के उत्तोलक है? तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। आप एग्जाम्पल और बताएं, ठीक है। मिक्सी, मिक्सी आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे भैया, मिक्सी जो है इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है, यहाँ पे मिक्सर मशीन नहीं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें नहीं, जो आप मेहनत करके, मैकेनिकल वर्क करके, यानी कुछ यांत्रिक कार्य करके आप कोई चीज अगर करते हो, वो चीजें, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें जो है आपका उत्तोलक नहीं होता है, लीवर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखें, मिक्सर वगैरह नहीं, चाय छन्नी, चाय छन्नी वाली, चाय छन्नी, अच्छा चाय छन्नी की अगर हम बात करें, तो लोड कहाँ होगा? लोड आपका चाय होगा, जो गिर रहा होगा, ठीक है, गिर रहा होगा, पकड़ेंगे आप कहाँ? बीच में, ठीक है। और घूमने की अगर हम प्रक्रिया अगर देखें, तो चाय छन्नी, चाय छन्नी थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा भाई। हाँ, एयर पंप, एयर पंप, अच्छा एयर पंप, जैसे हम जो साइकिल में हवा भरते हैं, तो हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, ठीक है, भार जो है वो क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, ठीक है। और घूमेगा कहाँ से? घूमेगा वह वाल, जो वाल लगा होता है वहां से वो घूमेगा, मतलब हवा जो है भार हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ पे ये फर्स्ट थर्ड टाइप का नहीं बनेगा। बेलन, 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 बिल्कुल, बेलन जो है, बेलन हाथ से ही तो पकड़ोगे ना, तो हाथ से कोई चीज पकड़ना, हल हो गया, बेलन हो गया, बिल्कुल ठीक है, बेलन भी आपका सही है, ठीक
ठीक है, चलिए अब रीजनिंग की क्लास आज चल रही है, ठीक है, अब रीजनिंग की क्लास आप लोग करिएगा, कल हम लोग इसी के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है, कुछ अलग जो है प्रश्नों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय